एस वी ओ सब्जेक्ट Verb. देखो एस से क्या होगा बच्चे सब्जेक्ट वी से वर्ब ओ से ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बोलो सारे बच्चे बोलो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये हम लोग इसका इस्तेमाल जो है बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं तो आज इसका इस्तेमाल हम लोग सीखेंगे बहुत ईजी तरीके से इसको हम लोग पढ़ना सीखेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक्चुअली सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है सब्जेक्ट क्या होता है पता है सब्जेक्ट बच्चों आप लोग को सब्जेक्ट पता है क्या होता है सब्जेक्ट बताइए कोई मतलब काम करने वाला को सब्जेक्ट कहते हैं वेरी गुड काम करने वाले को क्या कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं यानी जो जो सेंटेंस के अंदर में जो कुछ कर रहा हो जैसे कि मैं जाता हूँ तो जाने वाला कौन है यहाँ पर बच्चे मैं हूँ तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर पढ़ने वाला कौन है आप है आप यहाँ पर क्या होगा सब्जेक्ट होगा वह खेलता है वह खेलता है तो वह यहाँ पर क्या होगा सब्जेक्ट यानी कुछ करने वाला बैठ जाओ कोई एक्शन को करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे सब्जेक्ट कहते हैं ठीक है ना और वर्ब क्या होता है बच्चे वर्ब क्या होता है जिस हाँ जिस वर्ड से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं वर्ब कहते हैं उसको क्या कहते हैं वर्ब कहते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चे जिस पर काम का फल पड़ता हाँ वेरी गुड यानी सब्जेक्ट के द्वारा जिस काम को किया जाएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बच्चे कर्म कहते हैं क्या कहते हैं अब हम लोग सेंटेंस के माध्यम से इसको समझेंगे एग्जांपल्स लेते हैं और फिर आप लोग को जल्दी समझ में आएगा पहले इसका हिंदी हम लोग जान लेते हैं ठीक है ना बच्चों इसका हिंदी होगा प्रेजेंट के अंदर में इसका हिंदी होगा करता है क्या हिंदी होगा बच्चे करता है आप इसी तरह कह सकते हैं करती है क्या कह सकते हैं करती है और इसी तरह कह सकते हैं करते हैं इसी तरह कह सकते हैं आप करता हूँ क्या कह सकते हैं करता हूँ ठीक है बच्चे ये हिंदी होगा लाइक एग्जांपल जैसे हम लोग लेके लेते हैं इसका जैसे मैं जाता हूँ आप आते हैं वह बात करती है वह पढ़ता है वह सोता है वह खेलता है वह खेलते हैं तो इस तरह के सेंटेंस इस्तेमाल हम लोग करते हैं Yes, इस सेंटेंस को हम लोग कहते हैं टेंस के अंदर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या कहते हैं बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये भी आपका टेंस का एक हिस्सा एक पार्ट है अब नेक्स्ट टाइम हम लोग जो पढ़ेंगे ना नेक्स्ट टाइम यानी आपको जब टेंस पढ़ाया जाएगा तो वहां पर आपको जब ये पढ़ाया जाएगा वहां पर ये जब पढ़ाएंगे ना तो आप लोग आसानी से समझ जाओ क्यों समझोगे क्योंकि आपका ऑलरेडी आपका पढ़ा रहेगा तो जानते इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सबसे पहले हम लोग लेकर आते हैं सब्जेक्ट क्या लेकर आते हैं बच्चे सब्जेक्ट होता है उसके बाद हम लेकर आएंगे आपकी फॉर्म्स लेकर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी आती है कौन सी फॉर्म आती है बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म भी इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करते हैं और इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं क्या लेकर आते हैं बच्चे ऑब्जेक्ट लेकर अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है अगर नहीं है तो कोई बात नहीं सिंपल आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब लाकर आप सेंटेंस बना सकते हैं ठीक है एग्जाम्पल्स लेते हैं जैसे मैं बात करता हूँ मैं जाता हूँ मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चे आई कहते हैं क्या कहते हैं बच्चे आई कहते हैं जाने को क्या कहते हैं गो कहते हैं आई गो सेंटेंस हो गया मैं जाता हूँ इसका हिंदी क्या होगा मैं जाता हूँ मैं खेलता हूँ मैं को क्या कहते हैं बच्चे आई खेलने को क्या कहते हैं प्ले आई प्ले मैं खेलता हूँ लिखे आई प्ले मैं खेलता हूँ आपने कहा मैं सोता हूँ आई स्लीप मैं सोता हूँ मैं देखता हूँ आई सी कह सकते हैं आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो क्या कह सकते हैं आप सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी चीज़ पर आपकी नज़र पड़ जाती है आप किसी चीज़ को आप देख रहे हैं तो लुक कर सकते हैं आप आई लुक मैं देखता हूँ मैं आपको देखता हूँ आई लुक एट यू फिर यहाँ पर एक प्रीपोजिशन इस्तेमाल लाना पड़ेगा एट यू आई लुक एट यू अब मैं आपको देखता हूँ और सेंटेंसेस हम लोग काफ़ी सारे सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट के अंदर में जैसे मैं बात करूँ मैं पढ़ता हूँ आई रीड कर सकते हो आई स्टडी कर सकते हो मैं पढ़ता हूँ अब क्या कर सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं क्या कर सकते हैं बच्चे सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं आई के अलावा यू भी ला सकते हैं वी भी ला सकते हैं दे भी ला सकते हैं आपको सब्जेक्ट पता है कौन कौन से आ सकते हैं इसमें सारे सब्जेक्ट आएंगे कौन कौन से आपको ग्रुप ए पढ़ाया गया है बच्चे ग्रुप ए में आई यू वी दे प्लूरल और ग्रुप बी He, she, it, noun, singular. तो ये दो ग्रुप आपको पढ़ाया गया बोलिए पढ़ाया गया ना तो ये दोनों ग्रुप यहाँ पर इस्तेमाल होगा लेकिन एक चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पर फर्क ही पड़ेगा कि जब ग्रुप बी आएगा क्या आएगा बच्चे ग्रुप बी आएगा यानी ग्रुप सिंगुलर ग्रुप जो आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट जो आएगा उसमें हमको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लानी पड़ेगी क्या लाना पड़ेगा फिफ्थ फॉर्म लाना पड़ेगा हिंदी सेम रहेगा एग्जांपल लेते कोई भी ग्रुप बी का एक सब्जेक्ट लेता है सिंगुलर ग्रुप का जैसे लेते शी क्या लेते बच्चे शी लेते हैं शी आपका कौन सा सब्जेक्ट है सिंगुलर का है कौन सा बच्चे सिंगुलर का है अब सिंगुलर सब्जेक्ट है अब यहाँ पर हमको लाना पड़ेगा वर्ब के अंदर कौन सी फॉर्म लाएंगे आपको बताया गया कि जब हाँ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल करना कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करना आपको पता है फिफ्थ फॉर्म क्या होती है क्या लगते हैं बच्चे एस या ई एस लगा देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है
याद रहेगा ठीक है। जैसे मैं कहूंगा कि वह खेलती है she plays एस लग गया प्ले में, एस लग गया शी प्लेस वह खेलती है। जैसे हम बात करेंगे कि वह मुस्कुराती है she smiles वह मुस्कुराती है। आप जैसे कि वह हंसती है she laughs वह हंसती है। बन रहे ना बच्चे? yes, तो इस तरह से करके आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। कुछ भी नहीं करना है, इसमें बहुत इजी है कि नहीं है? आपको किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनेट का सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा, बोलिए? सब्जेक्ट। क्या लाना पड़ेगा? सब्जेक्ट। उसके बाद आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लाना है, और बाद में ऑब्जेक्ट लाना है। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप? yes, और कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैं बात करूंगा, आप सब्जेक्ट चेंज करते हैं, यू से कर बनाते हैं। जैसे आप बोलते हैं you speak. आपको क्या कहते हैं बच्चे? यू कहते हैं, और बोलने को क्या कहते हैं? स्पीक कहते हैं। देखो हमने लिखा यू स्पीक, आप बोलते हैं, आपने ऑब्जेक्ट भी लाना है। आपको लाना आप क्या बोलते हो? आपने कहा इंग्लिश बोलते हैं, मैं कहा आप इंग्लिश बोलते हैं। यू स्पीक आप बोलते क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। हमने इंग्लिश लिखा आप, ठीक है बच्चे? You speak English, आप इंग्लिश बोलते हैं, समझ आ रहे हैं तक? yes, sir. ठीक है। आप जैसे बात करें, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, आप हिंदी बोलते हैं, You speak Hindi. आप गुजराती बोलते हैं, You speak Gujarati. आप चाइनीज बोलते हैं, You speak Chinese. आप जो है फ्रेंच बोलते हैं, You speak French. आप ठीक है, इस तरह से बन रहा है सेंटेंस। आप जैसे बात आप सीखते हैं, You learn. सीखने को क्या कहते हैं बच्चे? Learn कहते हैं। आप सीखते हैं, आप इंग्लिश सीखते हैं, You learn English. आप कुछ काम सीखते हैं, You learn some work. आप कुछ काम सीखते हैं, ठीक है? बन रहा सेंटेंस? में से कोई बच्चा आकर यहाँ पर प्रैक्टिस करेगा, ठीक है ना? सो आप लोग तैयार हैं प्रैक्टिस करने के लिए? वेरी गुड। तो अब चलिए, तो जैसे कुछ सेंटेंसेस और लेते हैं हम लोग। जैसे मैं बात करूँगा कि कुछ सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना? जैसे बोले हम खाते हैं, हमको क्या कहते हैं बच्चों? वी कहते हैं। खाने को क्या कहते हैं हम लोग? ईट कहते हैं। हमने लिखा वी ईट, यानी हम खाते। क्या खाते हैं? आपने कहा हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं, ठीक है? आपने कहा हम फ्रूट खाते हैं, वी ईट फ्रूट। हाँ, हम फ्रूट खाते हैं। जैसे मैंने कहा, आपने जैसे आपने कहा कि वे पानी पीते हैं। पीने को क्या कहते हैं बच्चे? पीने को क्या कहते हैं? ड्रिंक कहते हैं। आपने लिखा ड्रिंक, क्या लिखा बच्चे? दे ड्रिंक वाटर। क्या पीते हैं? पानी। पानी को इंग्लिश में लोग वाटर कहते हैं, पता आपको? दे ड्रिंक वाटर, वो पानी पीते हैं, ठीक है? बन रहा है ना? ईजी। आपको ज्यादा मुश्किल बड़ा वाला सेंटेंस नहीं बनाना, आपको टफ नहीं बनाना, बिल्कुल ईजी वाला बनाना जो आप बना सकते हो, जो आप बना सकते हो, जिसका इस्तेमाल आप घर में भी करते हो, ठीक? करते हो नहीं करते हो? बिल्कुल नॉर्मल वाला सेंटेंस। आपने कहा मैं नहाता हूँ, आई बात या आई टेक बात का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है ना? और आप क्या करते हैं? कोई बच्चा वहाँ से सेंटेंस दो कि आप क्या करते हैं, सिंपल में दो, जल्दी फटाफट दो। आप जैसे कहते हैं मैं कोचिंग जाता हूँ, आपने कहा मैं कोचिंग जाता हूँ, कैसे बनेगा? आई गो टू कोचिंग। सारे बच्चों की आवाज़ आनी चाहिए, सारे बच्चे बोलो, सिंपल है ना? आप जैसे और क्या करते हो बताओ? आप जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाता है तो कैसे बोलेगा? हम साइकिल चलाते हैं, वी राइड बाइसिकल। हम साइकिल चलाते, कुछ बच्चे बाइक भी चलाते हैं तो कैसे बोलेगा वो? वी राइड बाइक। हम बाइक चलाते हैं। और क्या करते हो बताओ मुझे, कुछ एक्शन क्या, कौन कौन से काम आप करते हो पता बच्चे? जल्दी फटाफट बोलो, हाँ जल्दी बोलो, क्या क्या करते हो आप घर में, क्या करते हो? हाँ, टीवी देखते हो? यस सर। हाँ, तो कैसे बोले? हम टीवी देखते हैं, वॉच, टीवी देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वॉच, वी वॉच टेलीविजन, हम लोग टीवी देखते हैं। ऑब्वियसली आई थिंक फोन सबके पास है, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, सबके सभी ये लोग यूज करते हैं। आपने कहा कि मैं मोबाइल फोन यूज करता हूँ, कैसे बोलोगे? I use mobile phone. हाँ, मोबाइल फोन यूज करते हैं। तो बच्चों इस तरह के सेंटेंसेस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश जो आएगा ना आपको बिल्कुल प्रैक्टिस से आएगा। yes, किससे इंग्लिश आएगा बोलना? प्रैक्टिस से आएगा। सर पढ़ा दिए, आप सुन लिए, हो गया, ये वाला इंग्लिश आप कभी नहीं सीख पाओगे। yes, आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका मतलब इंग्लिश इंप्रूव होगा। आप उतने अच्छे तरीके से इंग्लिश को क्या कर पाओगे? आप लोग बोल पाओगे, समझ पाओगे, लिख पाओगे, समझ में आ रहे बच्चे? तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और प्रैक्टिस करें। यू स्लीप, you read, sana come to bansbari, comes to bansbari, wahi to bol rahe hain, ha chalo bachche jao sandesh do aap log, you play, aap gana gaate, you sing a song, pucho pucho sawal karo na, awaaz sandesh se fatafat aap log, aap padhte hain, you read, aap sunta, ha pucho aur sawal, cricket khelte ho, you play cricket,
राहुल सैंडल्स दो फटाफट। आई गो टू अररिया। वह अवतार लेता है, करता है। टेक टेक ही टेक्स अवतार। इफ्तार आ गया। यू स्पाई ऑन। वेरी गुड। आप पूछो, पूछिए ना, पूछना सवाल करो बच्चे। बाइक बाइटर राम बनाओ, क्या पूछा है फिर से पूछो। बहुत चुगली करता है। बिग बाइट। हां, चुगली करने को बिग बाइट कहते हैं। बनाओ। हां, सी बैग बाइट। सी बैग्स बाइट। सी बैग्स बाइट। हां, वे प्रार्थना करते। दे प्रे। दे प्रे, वेरी गुड। और पूछो बच्चे। वह कसम खाता है। वह कसम खाता है। कसम खाने से। कसम खाने को इंग्लिश में बोलते हैं स्वेयर। क्या बोलते हैं बच्चे? स्वेयर बोलते। बोलो। ही स्वेयर्स। हां, ही स्वेयर्स, वेरी गुड। और पूछो। पैसा निकालती है। वह पैसा निकालती, बैंक से पैसा निकालती है ना, मतलब। सो पैसा निकालने को कहते इंग्लिश में विड्रॉ कहते हैं। विड्रॉ। हां, तो बना सके विड्रॉ से। सी विड्रॉस मनी। वेरी गुड। फ्रॉम बैंक। फ्रॉम बैंक। ओके, और कुछ बच्चे? वह आगे की तरफ जाती है। वह आगे जाती है। सी गो गोस टू टुवर्ड्स। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, आगे की तरफ। सी गोस फॉरवर्ड। वेरी गुड। और कुछ बच्चे? वह तरक्की करती है। वह तरक्की करती है। सी डेवलप्स। सी डेवलप्स। सी डेवलप्स। वेरी गुड। और कुछ? आप क्लास में शोर करते हैं। शोर करने की इंग्लिश में यू मेक नॉइज। वेरी गुड, मेक नॉइज। और कुछ बच्चे? इन द क्लास यू मेक नॉइज। इन द क्लास यू मेक नॉइज। इन द क्लास। सॉरी, पूछिए ना, सेंटेंस दो। सीता डांस। सीता डांसेस। डांसेस, वेरी गुड। और कोई सेंटेंस बच्चे? बच्चे फटाफट सेंटेंस बोलो। मोहन कुक्ड फूड। बनाने कुक्स। कुक्स फूड। फूड, वेरी गुड। वह हिजाब पहनती है। सी पुट ऑन्स यस मैक। हां, सी पुट्स ऑन। पुट्स ऑन यस मैक। सी पुट्स ऑन यस मैक। वेरी गुड। और कुछ बच्चे? चिंता करते हैं। चिंता, चिंता करने से कंडेम। सी कंडेम्स। हां, सी कंडेम्स। सी कंडेम्स। हां, वेरी गुड। सीता नदी में तैरती। सीता स्विम्स इन द रिवर। ओके, वेरी गुड। तो समझ में आ आप लोग को बच्चे? यस सर। समझ में आ गया आज का क्लास? वेरी गुड। चलो